सो टुडे वी हैव अनदर लेटेस्ट स्पीकिंग पार्ट वन टॉपिक दैट इज़ ई बुक्स एंड पेपर बुक्स ई बुक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो आप पी रीड करते हो उसको बोलते हैं ई बुक्स एंड पेपर बुक्स जो आप स्कूल में रीड करते थे कॉलेज में रीड करते थे टेक्स्ट बुक्स उसको बोलते हैं पेपर बुक्स सो इससे पहले भी काफ़ी न्यू जो पार्ट वन टॉपिक्स आए हैं वो अपडेट हो ही चुके हैं आई होप आप सभी ने देखे लिए होंगे अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारी वीडियोस के अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे सो लेट्स सी सो अर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डू यू प्रेफर ई बुक्स और पेपर बुक्स आप क्या प्रेफर करते हो ई बुक्स या पेपर बुस एक्चुअली आई प्रेफर बहुत मैं दोनों ही प्रेफर करती हूँ इफ़ आई हैव टू स्टडी फो माई एक्डेमिक्स अगर मेरे को अपने एक्डेमिक्स दैट मीनस स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड कुछ करना होता है so, दैन आई प्रेफर पेपर बुक्स तो मैं पेपर बुक्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अदरवाइज ई बुक्स नहीं तो ई बुक्स सो द नेक्स्ट वन इज़ वैन डू यू यूजली रीड ऑनलाइन तो आप ऑनलाइन कब रीड करते हो ट्रैवल कर रही हूँ और आई एम लुकिंग इंफॉर्मेशन और मेरे को एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्योंकि पीडीएफ में से इजिली सर्च हो सकती है हमें सारे पेजेस चेकआउट करने की जरूरत नहीं होती सो द नेक्स्ट इज विल यू रीड मोर ऑनलाइन इन द फ्यूचर क्या फ्यूचर में ज्यादा ऑनलाइन रीड करेंगे एज़ फ्यूचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल वैसे तो फ्यूचर अनप्रडिक्टेबल है कुछ कहा ही नहीं जा सकता बट आई थिंक आई वुड रीड मोर पेपर बुक्स कि मेरे को लगता है कि मैं पेपर बुक्स ज़्यादा रीड करूँगी बिकॉज वाइल रीडिंग दैम आई कैन कंसनट्रेट मोर क्योंकि उस टाइम रीड करते हुए मैं ज़्यादा कंसनट्रेट कर सकती हूँ और आप इसमें यह भी बोल सकते हो कि बिकॉज वाइल रीडिंग बिकॉज रीडिंग इज ऑल्सो माई फेवरेट हॉबी टू डू इन माई फ्री टाइम सो ये थे हमारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं एक और है सॉरी तो डू यू थिंक पेपर बुक्स विल बुक्सपीयर इन द फ्यूचर क्या आपको लगता है कि पेपर बुक्स फ्यूचर में डिसअपियर हो जाएंगी एज पर माई बिलीफ नो नॉट एट ऑल कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं बिल्कुल भी नहीं बिकॉज पेपर बुक्स हैव देयर ओन बेनिफिट्स खुद के बेनिफिट्स हैं एंड ऑनलाइन बुक्स आर नॉट सुटेबल फॉर ऑल एजेस और हर टाइप की एज के लिए ऑनलाइन बुक्स सुटेबल नहीं है हम जैसे बोल सकते हैं अगर बच्चों के लिए अगर बच्चों को ऑनलाइन बुक्स दी जाएंगी तो उनकी रीडिंग जो स्किल है वो इम्प्रूव नहीं होगी अगर हम ओल्डर वंस की बात करें कि ओल्डर वंस को अगर ऑनलाइन बुक्स देते हैं हम तो उनकी जो आईज़ के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ऑलरेडी उनकी आईसेट बहुत वीक हो चुकी होती है उनको स्पेक्टिकल्स लग जाते हैं सो so, ये थे हमारे क्वेश्चन सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाई स्पीकिंग पी डी एफ दैट इंक्लूड्स पार्ट वन टू एंड थ्री सो आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और सारी डिटेल्स आपको वहीं मिल जाएगी सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फर्क टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब